नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं GSAT-24 सैटेलाइट के बारे में। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि GSAT-24 एक नई सैटेलाइट है जो कि KU बैंड की सैटेलाइट है, और साथ ही साथ हम आपको बता दें GSAT-24 टाटा प्ले की नई सैटेलाइट रहने वाली है अगले 10 सालों के लिए। जी हाँ, टाटा प्ले की अब नई सैटेलाइट है GSAT-24। अगले 10 सालों के लिए आपको टाटा प्ले के सभी चैनल GSAT-24 पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। और जैसे कि हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि GSAT-24 पर अगर टाटा प्ले शिफ्ट हो जाता है तो उस पर आपको और भी ज्यादा टीवी चैनल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो इसी से जुड़ी एक अपडेट्स निकल के आ रही है टाटा प्ले की ओर से। तो टाटा प्ले की ओर से जो अपडेट्स निकल के आई है उसमें बताया गया है कि कुछ नए स्लॉट्स अब GSAT-24 पर ऐड कर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे GSAT-24 पर कितने नए स्लॉट ऐड किए गए हैं और इन स्लॉट की फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है, बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि हमारी ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं GSAT-24 सैटेलाइट के बारे में जो कि टाटा प्ले की नई सैटेलाइट रहने वाली है, और इस पर टोटल 8 HD स्लॉट्स ऐड किए गए हैं। जी हाँ, इस पर टोटल 8 HD स्लॉट्स ऐड किए गए हैं और इन स्लॉट्स की फ्रीक्वेंसी रहने वाली है 11,960 हॉरिजॉन्टल, 34,280। जी हाँ, इसकी फ्रीक्वेंसी रहने वाली है 11,960 हॉरिजॉन्टल, 34,280। तो फ्रेंड्स, ये थी टाटा प्ले की नई फ्रीक्वेंसी जिसमें टोटल 8 HD स्लॉट्स ऐड किए गए हैं, और आने वाले वक्त में इन स्लॉट्स पर टोटल 8 HD चैनल्स भी ऐड किए जाएंगे। और अगर आप फ्रेंड्स चाहते हैं कि आप सबको ये सभी चैनल्स देखने के लिए मिले तो आप अपने सेट ऑफ बॉक्स में इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करके स्कैन कीजिए ताकि आने वाले वक्त में जो भी HD चैनल्स इन स्लॉट्स पर ऐड होंगे वो आप सबको देखने के लिए मिले। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।